नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अपने इस खास शो में हम हर हफ्ते किसी बड़े सामाजिक मुद्दे की बात करते हैं और आज भी हम एक ऐसे ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास की बात पिछले 10 साल से रोज हो रही है, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री ने अब इस मुहिम में ट्रांसजेंडर्स यानी किन्नर समुदाय को भी जोड़ लिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ा वादा किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कहा गया है कि आयुष्मान योजना का कार्ड अब ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा, इसके तहत उन्हें भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। जहां एक तरफ दुनिया जेंडर और सेक्सुअल डाइवर्सिटी फ्रेंडली सोसाइटी की बातें कर रही है, वहीं आज भी हमारे देश में ट्रांसफोबिया एक छिपी हुई सच्चाई है। ट्रांसजेंडर्स यानी किन्नर अपने घर परिवार से बेदखल रहते हैं, उसके बाद उनका जीवन दूसरों के रहमो करम पर आश्रित रहता है। हालांकि कानूनी तौर पर किन्नर होना कोई अपराध नहीं है, कानूनन वो उन सभी सुविधाओं के हकदार हैं जो समाज में स्त्री या पुरुष समुदाय को मिलती है। फिर भी ये सच्चाई है कि ट्रांसजेंडर समुदाय सामाजिक तौर पर मुख्य धारा से काफी दूर हैं। तो क्या आप ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं? क्या सिर्फ किन्नरों को कानून बनाकर कानूनी वैधता दे देना काफी है? इन जीते जागते इंसानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाज और परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए, यही है आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं ट्रांसजेंडर रामकली और हमारे साथ हैं किन्नरों के लिए काम करने वाले एनजीओ सृष्टि सेवा संस्थान से जुड़ी आकांक्षा पांडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रामकली जी, प्रधानमंत्री जी ने इस बार ट्रांसजेंडर्स को बहुत तवज्जो दिया है। उनका कहना है कि उन्हें पहचान और प्रतिष्ठा दी जाएगी, बीजेपी उन्हें पहचान और प्रतिष्ठा देगी। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, और इस सरकार के आने से हमें बहुत कुछ मिलने लगा है, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जिसके आने से हमें एक पहचान मिली है। आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह हम लोग दिखाई देने लगेंगे। आपको जो एक हमारा इज्जत वाला शब्द है ट्रांसजेंडर, वो आपको बहुत सारी जगहों पे नजर आने लगा है, और हमें वो देख के बहुत खुशी होती है। और अगर हम बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की, जो अभी आपने बात की है, तो आयुष्मान भी कार्ड भी मिलने लगा है, और साथ ही साथ जो हमें एक हमारी बहुत अच्छी चीज मिलने लगी है जिसे लेके हमें बहुत गर्व महसूस होता है, वो है हमारा ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड। आकांक्षा, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? बीजेपी ने इस बार कहा है कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा ट्रांसजेंडर्स को, साथ ही आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं हम एक नए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी आपको कि आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। मेरा रिएक्शन बहुत नॉर्मल कैजुअल सा था, बिकॉज ठीक है, इस गवर्नमेंट में हमें बहुत सारी सुविधा, हमें नहीं बोलेंगे, जो नॉन कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें सुविधा मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 5 लाख की सुविधा वो देने वाले हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप उठा के देखेंगे ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 का, जो कि हुआ था, जबकि लागू हुआ था जनवरी 2020 में, आई गेस, तो उसमें चैप्टर 5 आप जब खोल के देखेंगे, 6 खोल के देखेंगे, तो उसमें नंबर 15 पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज में साफ साफ मेंशन किया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट निकाला था कि हमारे मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं रहेंगी, गवर्नमेंट उसमें हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगी। तो मतलब ठीक है, नथिंग अगेंस्ट बीजेपी, आई एम वेरी हैप्पी विद मोदी जी एंड योगी जी, उनके राज्य में हमें इतना काम करने को मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी सरकार के साथ जुड़ के काम भी कर रही हूँ। बट मेरा ये मानना है कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं ना, चुनाव के समय ही नहीं, पहले भी लोगों को याद करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर ये सोच के चलेंगे कि चुनाव के समय में कोई नेता हमारे बारे में सोचेगा, तो फिर तो ऐसे हम हेल्थ फैसिलिटीज थोड़ी वो ले पाएंगे उसके बेनिफिट। तो बाकी लेकिन मोदी जी ने सोचा, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज और भी नेता हैं जिन्होंने तो नहीं सोचा, लेकिन मोदी जी ने सोचा, तो आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट। यानी सीधी सी बात है कि अब बात करने से सिर्फ नहीं होगा, सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, और ये पहला कदम आप कह सकते हो। अब रामकली, बीइंग अ ट्रांसजेंडर इस देश में कितना मुश्किल है? ट्रांस होना ही एक मुश्किल शब्द है। जब हम अपनी बात करते हैं, या मैं अपनी बहुत सारी बहनों की बात करती हूँ, तो एक लाइफ है जिसको हमें जीना है, लेकिन अभी क्या है कि हमें एक खुल के जीने का मौका मिल चुका है और हमें वो मौका खोना नहीं चाहिए। और ट्रांस मुश्किल है होना, क्योंकि आज भी लोगों की सोच बहुत पीछे है, आज भी हमें एक अलग नजर से देखा जाता है, वो सम्मान वाली नजर
नहीं मिलती हमें देखने के लिए लोगों की, जिसके हम हकदार हैं। उस समय उस इज्जत से हम लोग अभी थोड़ा पीछे हैं, शायद धीरे धीरे करके वो इज्जत भी अगर ऐसे ही सरकार चलती रही और हमारे बारे में ऐसे ही सोचती रही तो शायद धीरे धीरे करके हमें ऐसे वो इज्जत आराम से मिलने लगेगी। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक साधारण जीवन जीने के लिए? दिक्कत की अगर बात करते हैं तो दिक्कत रोज है। दिक्कत घर से ही शुरू होती है, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वहीं से एक बुलिंग जो होती है, जब पीछे से बहुत सारी आवाजें आती है, जो एक शब्द बोला जाता है, अगर मैं अपने दिल पे पत्थर रख के बोलना चाहूँ तो फिर भी बोल सकती हूँ, उसको दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ेगा। जब पीछे से आवाज आती है छक्के हिजड़े और भी बहुत सारे नाम के साथ में जब आवाज आती है तो वो सीधा हमारे माइंड पे जाके लगती है। तो रोज की जिंदगी हम बहुत कठिनाई के साथ जीते हैं, लेकिन अभी कहीं कहीं पे हमें फ्रीडम मिलने लगा है और सोचने लगे हैं लोग हमारे बारे में। लेकिन जिस तरीके से सोचना चाहिए अभी उस तरीके से लोगों की सोच बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। एक्समिट अभी अगर अब से देखा जाए तो एक्समिट केवल कुछ जगहों पे है जहाँ पे ट्रांस की एंट्री है या ट्रांस को इज्जत की नजरों से देखा जाता है, लेकिन आज भी हमको जो है अलग नजर से ही देखा जाता है। तो रोज की जिंदगी हम लोग डिफरेंट तरीके से जीते हैं, जीना तो है जब दुनिया में आए हैं तो, और अच्छे तरीके से जीने का मौका शायद धीरे धीरे करके हमें मिलने लगेगा। यानी वो संघर्ष की लड़ाई जारी है। आकांक्षा, आप एक एनजीओ चलाती हैं, आप उन चंद प्रिविलेज लॉट में से हैं जिनको मौका मिला है न सिर्फ एक सक्सेसफुल करियर बनाने का बल्कि एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीतने का, तो आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है? मेरी लाइफ जर्नी अगर मतलब क्योंकि हमारे पास अभी लिमिटेड टाइम है, बट इन शॉर्ट अगर रखूंगी तो नॉट ओनली माइन, मतलब जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनकी लाइफ जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल और पेनफुल रहती है, जिनको आई डोंट थिंक सो कि रामकली माथी उससे एग्री करेंगे कि हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड मतलब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ जर्नी सुन के लोगों को हौसला मिले, उनकी हिम्मत और बढ़े कि किस तरह का आपको समाज और परिवार से आपको सपोर्ट मिला, तो ये सब बातें सुन के शायद आपकी कम्युनिटी के लोगों को भी हिम्मत मिलेगी और उन्हें वो साहस मिलेगा कि वो भी संघर्ष करें और बहुत जल्द ही वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। जी जी, तो मैं अपना बताते हैं, स्ट्रगल वाली लाइफ मेरी बहुत रही है। आई थिंक 2017 मेरा इंटरमीडिएट चल रहा था, हाँ 2017 में मैंने इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया था होम टाउन से, एंड फॉर्चुनेटली आई एम वेरी लकी इन दैट केस कि मैंने अपना इंटरमीडिएट घर से कंप्लीट किया। एंड मेरे माइंड में ये था, एक्चुअली मेरी आइडेंटिटी मुझे पहले से पता थी कि आई एम नॉट नॉर्मल, नॉर्मल वर्ड भी नहीं यूज करेंगे बिकॉज बींग फ्रॉम कम्युनिटी एबनॉर्मल तो होता नहीं है, आई थिंक आई एम वेरी स्पेशल। तो आफ्टर इंटरमीडिएट मैं गोरखपुर शिफ्ट हुई फॉर माई ग्रेजुएशन एंड फॉर द एजुकेशन, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कॉलेज है गोरखपुर में, दिग्विजयनाथ, तो उनके कॉलेज से मैंने अपना कम्प्लीट किया ग्रेजुएशन। एंड फिर काफी डिस्क्रिमिनेशन कॉलेजेस में भी फेस करने पड़े, क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसा जगह होता है, लोग कहते हैं शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप हर एक जंग जीत सकते हैं विश्व का। तो चूंकि मेरे अध्यापक कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुझे बोले कि यार डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा मुझे, बहुत सारे स्टिग्मा थे, बट उन चीजों को मैंने ये चीजें सोच के अवॉइड की कि मुझे ये लाइफ मिली है और बार बार नहीं मिलेगी, और यही राइट टाइम है। अगर मैं अभी एजुकेशन में निराश हो जाती थी या लड़ने की ताकत और बढ़ जाती थी? निराश इनिशियल स्टेज में तो निराश होती थी मैं, बट एक मन में दृढ़ संकल्प ये होता था कि आकांक्षा अभी नहीं तो कभी नहीं, यही मेरा टाइम था वो 3 साल का ग्रेजुएशन का, कि जो मेरा वो था कि पावर पॉइंट की हाँ अगर मैंने अभी एजुकेशन गेन किया तो इन द फ्यूचर मैं अपने पैरों पे स्टेबल हो सकती हूँ, देन आई कैन शो द सोसाइटी दैट आई कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी। एंड उसी का रिजल्ट रहा कि माननीय आदित्यनाथ जी के द्वारा मैं सम्मानित भी की गई थी 2021 में, एंड मैं 2 साल रिप्रेजेंटेटिव रही हूँ अपने कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैंने बीए किया था, उसके बाद मैंने कंप्यूटर्स में डीसी और ओ लेवल कर रखा है, एंड उसके बाद मैंने सोशल वर्क में पहला कदम अपना रखा 2019 में गोरखपुर में, एक है उत्तम महेश्वरी जी मेरी गुरु लगती है, तो वो SIVX पे काम करती थी, उनका एक संस्था चलता था अलायंस इंडिया का, तो मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली, तो मुझे लगा कि कुछ लोग हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब कंपैरिजन में सिमिलर हैं,
तो मैं उनसे जुड़ी, फिर काफी लोग हैं जहाँ पे, यहाँ पे मैं रहती थी यहाँ पे काफी और किन्नर समाज के लोग हैं, तो उन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया आगे बढ़ के काम करने में। और रही बात सोसाइटी, और आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिला, और सबसे पहले आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पता चला होगा तो रिएक्शन नॉर्मल तो नहीं होगा, तो किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया? रिएक्शन वही जैसा अभी इनिशियल ने बताया रामकली मौसी ने, कि वही कमेंट्स आते थे। इनफैक्ट एक होता है ना, सोसाइटी कमेंट करता है, इंसान टॉलरेट कर सकता है, कैन यू थिंक ऑफ इट कि अगर आपका अपना सगा भाई आपसे ये बोलता है कि अरे तुम छपके हो, तो पर्सन को क्या फील हो सकता है? गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ, मुझे वो चीज सोच के थोड़ा सा वो लगता है। बट एक बात की ये खुशी रहती है कि मैंने सही चीजें सुनी अपने लाइफ में, एंड आज मैं डेजिग्नेटेड एक अच्छे पद पे काम कर रही हूँ गवर्नमेंट के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ जो कि काम कर रही हूँ। एंड चीजें बहुत सारी, मतलब हताश भी करती थी, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी किए हैं मुझे लाइफ में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2017 से मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया है, और वो साल के 365 दिन होते थे, कहने को बहुत इजी है 5 साल, लेकिन वो हर एक साल के 365 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं वो मैं जानती हूँ। एंड मेरे स्ट्रगल का रिजल्ट 2024 में निकल के आया, जब सितंबर में मुझे ये जॉब ऑफर हुई, एंड मैंने सितंबर 2024 में ज्वाइन किया, 23 में ज्वाइन किया, एंड अभी मेरा ऑलमोस्ट 6 to 7 months हो गया मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ गोरखपुर में। तो आकांक्षा, अब आपको लगता है कि क्या लोगों का नजरिया कुछ बदल रहा है? हाँ, लोगों का नजरिया तो काफी हद तक बदला है, बट इतना भी नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा बदला है, लेकिन हाँ, जो लोग एजुकेटेड हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें लेके, हमारी कम्युनिटी के लेके काफी चेंजेस हैं उसमें, बिकॉज उनका मन एक परसेप्शन बन जाता है ना कि मतलब ये लोग थोड़े से रूड होंगे, थोड़े से बदतमीज होंगे, एंड विच इज अ फैक्ट हमारी कम्युनिटी में है, और मैं उनकी गलती भी नहीं कहूंगी, बिकॉज ये सोसाइटी ने उन्हें इतना सहने को दिया है ना कि उन्होंने खुद को उस रूप में ढाल लिया है ना अपनी राइट्स के लिए। रामकली, जैसे आपने आकांक्षा की बातें सुनी, पहले तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप भी अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आपकी जिंदगी रही, फैमिली से सपोर्ट मिला या नहीं मिला, और कौन रहा, क्या रहा आपका सपोर्ट सिस्टम? अगर हम बात करते हैं जहाँ पे फैमिली की बात आती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को पता ही होता है कि हम क्या है, और बहुत अजीब लगता है क्योंकि जब घर वाले सब लोग शादी में जाते हैं और वो हमें घर में छोड़ के जाते कि तू यहीं पे रह, हम लोग जा रहे, तो वो वक्त हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। हम बहुत सारी चीजों से झुलस के, उससे अपने आप को लड़ के हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई, मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में शुरुआत हुई, और आज मेरा नोएडा के अंदर अपना ऑर्गेनाइजेशन है बसेरा समाजी संस्थान, और मैं अपनी बहुत सारी ट्रांसजेंडर बहनों के लिए काम करती हूँ। तो मेरा मोटिव यही है, जो आकांक्षा का एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम अपने लिए नहीं बोलेंगे तो हम दूसरे के लिए क्या बोलेंगे? तो हमें शुरुआत अपने आप से करनी है, हमें ये नहीं देखना है कि हाँ हमारे लिए कोई आके बोलेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई है, हमें खुद को लड़नी है, और शायद अगर हमसे पहले हमारे जितने बड़े हैं, अभी जो चीज हमें मिल रही है, अगर हम ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी की बात करते हैं, हम अपने नाल से जजमेंट की बात करते हैं, या हम अपने आधार कार्ड की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रखती हूँ कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो हमें बहुत मुश्किल से मिली है। आपने भी देखा होगा कि हमें कितनी लड़ाई करनी पड़ी थी अपनी आइडेंटिटी को लेने के लिए, कि हाँ हम ट्रांस है, आप हमें हमारी आइडेंटिटी दो, हमें शब्द दो, हमारा इज्जत वाली हमारी आइडेंटिटी दो, ताकि हम बोल सके कि हम ट्रांसजेंडर है। लेकिन वो लेने के लिए भी हमें बहुत सारी मेहनतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत सारे कानूनों का सपोर्ट लेना पड़ा, आज जाके वो हमें मिला। क्यों मिला? क्योंकि हमने बोलना शुरू किया है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमें मिलेगा भी नहीं। और मैं यही बोलती हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन है ट्रांस, जितने मेरी भाई बहन है उसमें ट्रांस मैन भी है, ट्रांस वुमेन भी है, मेरे किन्नर समुदाय भी है, अगर हम अपने लिए आज नहीं बोलेंगे, और सबसे पहले तो समाज हमेशा आई है, एक चीज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, शायद आपने भी सुना होगा, चार लोग जब भी त्रास की या किसी की भी बात आती है तो सबसे पहले आते चार लोग, वो चार लोग जो, वो चार लोग दिखाई किसी को नहीं देते, बट उन चार लोगों की वजह से जिंदगी खराब हो जाती है। तुम साड़ी पहनोगे तो चार लोग क्या बोलोगे, तुम लड़की की तरह रहोगे तो चार लोग क्या बोलोगे, रोड पे सही से निकला कर चार लोग क्या बोलेंगे, तो कहीं आया जाया मत कर, चार लोगों में हमारी बेइज्जती हो रखी है।
तो वो चार लोग दिखाई नहीं देते बट उनकी वजह से जिंदगी खराब हो जाती है। तो मेरे जितने भी ट्रांस बहन भाई हैं, जाहिर सी बात है रामकली, जिस तरह से आप दोनों ही बता रहे हैं, ये बात तो सच है कि जो तकलीफ आप लोगों ने झेली है, क्योंकि सबसे पहले जब रिजेक्शन अपने घर से होता है, परिवार से होता है, वो लोग हमें नहीं समझते, तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो वहीं पर होती है। तो आप लोग ने जो तकलीफ झेली है वो तो अतुलनीय है, अनकम्पेरेबल है, उसको तो शायद महसूस कर पाना भी मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि और न उसे शब्दों में बयां किया जा सकता है। लेकिन रामकली, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी कम्युनिटी के लोग, सब नहीं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो सम्मान नहीं मिलने देते हैं, कई बार गलत धंधों में इन्वॉल्व रहते हैं, कई बार गलत तरीके से, जैसे आकांक्षा ने भी बोला कि बहुत रूड हो जाते हैं, कई बार आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दीजिए फिर भी वो लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो और कई बार अपने ट्रांसजेंडर होने का फायदा भी उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे, आप मैं आपसे ही एक क्वेश्चन करती हूँ, सॉरी हाँ, क्योंकि मीडिया से शायद क्वेश्चन नहीं करते लेकिन मैं कर रही हूँ। आप अपनी डिग्री लेके कितनी जगह गए हो जॉब के लिए? नहीं बताइए, आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप अपनी डिग्री लेके कितनी जगह गए हो जॉब के लिए? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ाई की थी तो हमारा कैंपस से हो गया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा जगह जाना नहीं पड़ा। ठीक है ना, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हुआ होगा। हमारे साथ सबसे पहले आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, हम 10 बार जाते हैं, 5 बार जाते हैं, 20 बार जाते हैं, जब हमारे जेंडर को नहीं जज किया जाता है, वहां पे हमारी डिग्री नहीं देखी जाती। आज भी मैंने क्यों बोला कि हम लोग आज भी पीछे हैं, मिलने लगा है अधिकार लेकिन उस तरीके से नहीं मिला है, क्योंकि आज भी हमारी जेंडर देखा जाता है, हमारी जो है हमारी डिग्री नहीं देखी जाती। अगर हम कहीं पर जाते हैं, हम कितने भी कैपेबल हैं उस जॉब के लिए, तो हमेशा से बोला जाता है आप तो हिजड़े हो, आपका काम कुछ और है। यही चीज लेके जब हमें बार बार किसी चीज से निकाल दिया जाता है, हमें एक्सेमिट नहीं मिलता, तो इसलिए वो काम अपना पेट भरने के लिए करना पड़ता है, और पेट से बड़ा पापी कुछ नहीं होता। जब भूख लगती है ना, तो एक औरत भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, और हमारे लिए तो कोई और रास्ता नहीं बचा। हमारे माँ बाप नहीं होते, हम जब हमारे माँ बाप हमें एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारे रिश्तेदार से हम क्या उम्मीद लगाएंगे? तो हमें कहीं ना कहीं मजबूर होके अपना शरीर बेच के वो भूख के लिए पैसा कमाना पड़ता है, और पेड़ से बड़ा पापी कुछ नहीं होता। ये चीज आप उनसे पूछिएगा जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, कि आप अगर मैं रोड पे खड़ी हूँ सेक्स वर्क करने के लिए, मेरा जो बॉडी छोके जा रहा है, मेरे पास जो बंदा आ रहा है, आप मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो मुझे पैसा देके जा रहा है, मैं उसको अपनी बॉडी दे रही हूँ यूज करने के लिए, अपनी आत्मा नहीं दे रही हूँ। ये तो मैंने पहले भी बोला कि जो तकलीफ आप लोगों ने झेली है उसके बारे में तो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता, और इतनी लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और आज भी जिस चीज के जितने हकदार हैं वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन शायद अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैं कहना चाहती, सब नहीं लेकिन कुछ एक पार्ट ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं जो बदनामी मिलती है कहीं ना कहीं उसके लिए वो भी जिम्मेदार भी होते हैं। कुछ लोग की अगर मैं बात करूं, सभी मेल अच्छे नहीं होते, सभी फीमेल अच्छी नहीं होती, बट उनको काउंट क्यों नहीं किया जाता? हम ही लोगों पे क्यों उंगली उठाई जाती कि आप में से कुछ लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि मैं उनके बीच का हिस्सा हूं। अगर एक लेडी गलत करती है तो सभी लेडी को तो नहीं बोला जाता कि कुछ लेडी अच्छे बुरे सब इंसानों में होते, मेल में भी होते, फीमेल में भी होते, उसी तरीके से ट्रांस में भी है, लेकिन टारगेट सबको किया जाता है, उंगली सब पे उठती है। अगर हम बात करते हैं किसी मेल के ऊपर, क्या बोला जाएगा क्या कि मेल तो रेप करते हैं, है ना, मेल रेप ही करते हैं ना, सबको नहीं बोला जाता। रामकली की बात से आप कितनी सहमत हैं? दूसरा, मैं एक दिमाग में ये भी बात आ रही है कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, अच्छी प्रोफेशनल हैं, फिर एक्टिविस्ट बनने की क्या जरूरत पड़ी? एक्टिविस्ट बनने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी शुरुआत ही एनजीओ से हुई है। जब हम काम के लिए जाते थे, मैंने बहुत सारी कंपनियों में टॉयलेट साफ किए हैं, झाड़ू पोछा लगाया है, मुझे 5 दिन 10 दिन से ज्यादा किसी ने लिए नहीं रखा। और मैं एक पॉइंट यहाँ पे खुशी वाला बोलती हूँ, लोगों के लिए होगी बुरी चीज HIV, लोग डरते होंगे HIV से, हम उसके लिए काम करते, शायद HIV दुनिया में नहीं होता तो हमें पेट भरने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता। हमने शुरुआत की है कोंडम बांटने से, हमने शुरुआत की है लोगों को मोटिवेट करने से कि आप HIV से बचो, आप कोंडम यूज करो, आप अपना HIV टेस्ट करवाओ, आप लोग सेफ रहो। अगर HIV नहीं होता तो हम लोग को कोई रोजी रोटी देता भी नहीं है। उसी HIV सेक्टर से शुरुआत करके आज हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेरी कितनी सारी
बड़ी बड़ी माइयां बैठी हुई है। आकांक्षा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी जी। आपने रामकली की बात सुनी, पहले तो आपसे भी वही सवाल है कि आपने भी इतनी अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन आप भी, आपको एक्टिविस्ट बनने की क्या जरूरत पड़ी? इस टॉपिक पे मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि एक्टिविस्ट बनने की क्या जरूरत थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन था भी नहीं मैम, फर्स्टली। एंड द सेकेंडली इज कि मेरे एजुकेशन मैंने टू गेन किया ये सोच के कि इन द फ्यूचर मैं स्टेबल हो जाऊंगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। बट एजुकेशन गेन करने के साथ साथ में जो स्ट्रगल मैंने देखा जॉब पाने के लिए, फिर मेरे माइंड में ये आता था कि शायद मैंने जो डिग्रियां ली हैं उस पे अचार डालना चाहिए, फर्स्टली ऐसे मेरे माइंड में ही आया। बट फिर भी मैंने ये चीजें सोचा कि मार्केट में कोई अच्छी चीजें देखती हैं आप, सपोज जाती हैं, है ना, उस पे नॉर्मल प्राइस टैग लग जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो दिखने में लेकिन प्राइस टैग बहुत सस्ता हो, ठीक है, तो इंसान सोचेगा कि अरे इतना एक्सपेंसिव दिखने वाली चीजें इतनी सस्ते मिली है क्यों। तो एक अच्छा वक्ता होगा ना तो महंगी से महंगी चीजें भी बेच सकता है, और एक बहुत अच्छा वक्ता होगा तो खराब से खराब चीजें भी बेच सकता है। ये डिफरेंसेस आप समझिएगा मैडम, बहुत बारीक है। एक वक्ता हो अच्छा जो महंगी से महंगी चीजें बेच सकता है, एक बहुत अच्छा वक्ता हो तो खराब से खराब चीजें बेच सकता है। तो मेरे माइंड में ये था मैम कि अगर मैं अपने राइट्स के लिए आवाज नहीं उठाती हूँ, अगर मैं किसी और का वेट करती हूँ कि कोई और सोशल एक्टिविस्ट आता है या फिर कोई और मेरे लिए आवाज उठाता है, फिर तो मैं हाथ के हाथ धर के बैठी रहती, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है कि आज मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये बात है सही कि इतना एजुकेशन होने के बाद एक्टिविस्ट मैं बनी, उसके पीछे यही रीजन था कि मैं उस एजुकेशन को कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, गोरखपुर से, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ही शहर है एंड बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ना मैम उतने अवेयर नहीं है हमारी कम्युनिटी को लेके, तो उतना एक्सेप्टेंस नहीं है, तो बहुत समय लगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 5-6 साल बहुत लंबा वक्त होता है, इतने में सरकारें बन जाती हैं, बदल जाती हैं, तो वही चीजें रही मेरे लिए रीजन एक्टिविस्ट बनने का कि अपने लिए ना सही, इन द फ्यूचर मेरे कम्युनिटी का कोई और निकल गया है तो उसे आकांक्षा के जैसे एक्टिविस्ट ना बनना पड़े, उसे बना बनाया उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगलाइज कर दिया है, तो अब आपको क्या लगता है एज अ सोसाइटी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट ने तो वो कर दिया, ठीक है, सबसे पहले मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ना, तो हम कहते हैं सोसाइटी को ब्लेम करते हैं कि सोसाइटी हम एक्सेप्ट करी नहीं, बिकॉज सोसाइटी का एक कहीं ना कहीं वो मेंटेलिटी है, वो 9 to 5 ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर 9 to 5 शो ऑफिस, ऑफिस से घर, बट जो डेजिग्नेटेड लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं हर स्तर पे, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल जो होता है, हमने पढ़ा भी होगा 12th में, मैंने पढ़ा था उसमें बिजनेस स्टडीज में, तो ये हर क्षेत्र में लागू होता है, वेदर बिजनेस हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, तो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट एक न्यायालय है और उसका जजमेंट को फॉलो ना करना बहुत बड़ा एक अपने आप में अपराध है, बट जजमेंट तो आ गया, जैसा मासी ने बताया, रामकली मैम ने, कि नालसा जजमेंट 2014 में आया, सुप्रीम कोर्ट का एक्ट आ गया, ट्रांसजेंडर एक्ट, बट कहीं ना कहीं वो कागजी स्तर पर रह गया। मैं आपको बताना चाहूंगी, गोरखपुर में ये ट्रांसजेंडर कार्ड्स बनने बहुत साल पहले से स्टार्ट हुए हैं, एंड जो फर्स्ट 10 ट्रांसजेंडर कार्ड बने वो उसमें मेरा इम्पोर्टेंट भी रहा है, एंड जो यहाँ पे किन्नर कल्याण समिति बनी हुई है उसमें मेंबर एकता जी, कोमल गुरु हैं, उनका भी सहयोग रहा है, बाकी लोग हैं जो डेरे के लोग हैं उनका सहयोग रहा है, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी कार्ड तो मिल चुका है। बट ये रही बात आयुष्मान कार्ड की, चूंकि मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ के काम करती हूँ, इतनी बार मैंने विजिट किया है यहाँ पे, सबका यही होता है कि मैम ऊपर से अभी आप लोग के लिए ऑर्डर नहीं आया है, नॉर्मल आयुष्मान कार्ड तो बनते हैं, एक महिला के बन रहे हैं, एक तो पुरुष के बन रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जाए मैम, आप जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने थोड़ा सा वो करके रखा था होमवर्क, ट्रांसजेंडर एक्सेप्टेंस का आप जब देखेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, साफ साफ मेंशन है मैम कि हार्मोन थेरेपी एंड जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज के लिए आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमें पैसे 5 लाख की वो सुविधा उपलब्ध कराने का वो मेंशन है, बट वो कहाँ है मैम,
सिर्फ पेपर में, ट्रांसजेंडर एक्ट में, रियलिटी में कहीं नहीं है। चूंकि मैंने इसके लिए बहुत सारी एडवोकेसी मीटिंग्स किए हैं, चूंकि मेरा मीटिंग्स लगा रहता है हमेशा, तो बट मैंने अपने स्तर से ट्राई किया। अब मेरा नेक्स्ट प्रयास यही था कि अब मैं लखनऊ जब भी समय में निकले, चूंकि मेरा बहुत शेड्यूल बिजी रहता है, मैं कि मंत्रालय में जाके खुद मैं एप्लीकेशन दूं, कि हमारे समुदाय के लिए गोरखपुर में चूंकि बहुत सारे ट्रांसजेंडर कार्ड्स बन चुके हैं एंड उसी बिहाफ पे बनना है आयुष्मान कार्ड, तो आयुष्मान कार्ड के कार्य क्यों नहीं स्टार्ट हो गए। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अभी भी बहुत ढीला है। रामकली, एक तो हो गया नियम कानून बन गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ नियम कानून बनाना ही काफी नहीं है? पहले तो जैसा आकांक्षा ने बोला उसका इम्प्लीमेंटेशन, दूसरी बात है कि समाज को भी बदलना पड़ेगा, लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की बात सुन के जैसा कि समझ में आया, परिवार से शुरुआत हुई, स्कूल में गए तो वहां अलग तरह की परेशानियां, लोगों ने इतना बुली किया, कॉलेज में गए तो वही हुआ, ऑफिस में जाइए तो वही होता है, तो स्कूल कॉलेज और ऑफिस को किस तरह से ट्रांसजेंडर फ्रेंडली बनाया जा सकता है? मेरे हिसाब से कभी ना कभी हर किसी को कोई ना कोई ट्रांस जरूर दिखती है या दिखता होगा, हर जगह नजर आते हैं, कभी किसी ने बात करने की भी कोशिश नहीं की। और अगर हम सेंसिटाइज की बात करते हैं तो जहां ट्रांस शब्द आता है तो वहां पे लोग अपने कदम खुद ब खुद पीछे करने लगते हैं। अगर हम जो मैं शुरू से बोली हूँ कि जो हमें मिलना चाहिए वो अभी तक हमें मिला नहीं है, हम केवल धीरे धीरे करके जो एक कछुए की चाल होती है केवल उस हिसाब से अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम टीजी कार्ड की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो सेंसिटाइजेशन वहीं पे होना चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट आज भी ऐसे हैं जहां पे अगर टीजी कार्ड आज अप्लाई करते हैं तो गाइडलाइन अगर देखी जाए तो गाइडलाइन के हिसाब से 10 से 15 दिन में बनके वो हाथ में आ जाना चाहिए। अभी मैं अपने बसेरा की तरफ से लोगों के टीजी कार्ड बनवा रही हूं तो 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अभी तक बन के ही हाथ में नहीं आए। तो आयुष्मान कार्ड तो बहुत दूर की चीज है। और रही बात के किस तरीके से हम काम करते कॉलेजों में और स्कूल में, क्योंकि शुरुआत स्कूल से ही होती है तो स्कूल में ही होना चाहिए, तो एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे लोग सेंसिटाइज हो ट्रांस के इश्यू को लोगे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले एक शुरू से ही क्लास के अंदर एक ट्रांस के बारे में एक चैप्टर होना चाहिए जिससे वो पढ़े और वो सेंसिटाइज हो, और ताकि जो मेरी आने वाली जनरेशन है, जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, उनको प्रॉब्लम फेस ना हो, क्यों जो चीज हमने झेली है शायद उनको बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम होती है। आप किसी सोसाइटी में घर लेने जाइए तो भी आपको उतनी दिक्कत होती है, आपने कोई अपराध तो किया नहीं है, ये तो मतलब दिस इज गॉड्स क्रिएशन, हमारी गलती तो उसमें है नहीं, फिर भी हम उसका खामियाजा भुगतते हैं। बिल्कुल, हमारी गलती ये है कि हम पैदा हुए हैं, लोगों को ये लगता है कि हम पैदा हुए हैं तो ये हमारी गलती है, जबकि उनको ये नहीं पता है कि जिस परमात्मा ने, जिस ऊपर वाले ने उनको पैदा किया है उसी ने मुझे भी पैदा किया है, मैं भी उसी माँ की कोख से पैदा हुई हूँ, आप मुझे इंसान तो समझो, लेकिन हमें वो बिल्कुल अलग ही समझते। तो मेरी सबसे मैं बार बार यही बोलती हूँ, मेरी बनाई है उसी ने ये भी बनाया है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, इस बात को हमें अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तभी शायद पूरा ये जो पूरा समाज बदलेगा। मेरी समाज से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमें इंसान समझे और हमें भी कंधे से कंधा मिला के चलने का मौका दे ताकि हम और आगे तक जा सके, और हम आज भी कल भी इसी समाज का हिस्सा है और रहेंगे। हम भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं और हम भी इस देश के हैं और हम उन्हीं के बीच का हिस्सा है, तो हमें अपने साथ चलने का मौका दे, हमें इंसान समझे और हमें ये ना सोचे कि हमारे जेंडर जज ना करे, वो केवल हमारी क्वालिटी देखे और हमें हमारी क्वालिटी के हिसाब से, मैं ये जॉब वालों से बोलूं कि हमें हमारी क्वालिटी के हिसाब से भी जॉब। आकांक्षा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ बताइए। हाँ, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की आयुष्मान कार्ड को लेके और हमें मुख्य धारा से जोड़ने को लेके, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन रहेगा, जैसे अभी आपने बताया स्कूल कॉलेजेस को कैसे हम ट्रांसजेंडर फ्रेंडली बना सकते हैं, तो मेरा ये शिक्षा मंत्रालय से हाथ जोड़ के सभी ने निवेदन है कि हर एक बुक में, नॉट वर्बली ओनली, बुक में एक प्रॉपर चैप्टर रहे सेक्स एजुकेशन को लेके, जिसमें व्हाट इज ट्रांसजेंडर, व्हाट इज गे पीपल, व्हाट इज लेस्बियन, एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन हो, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, उनको ये चीज शॉर्टेड आउट हो सके
कि ट्रांसजेंडर होते क्या है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है क्या, एंड प्रॉपर उसको चैप्टर में वो किया जाए। और ये शिक्षा मंत्रालय के ही हाथ में है, क्योंकि इस पे आप रिक्वेस्ट कर सकती है, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इस पे हम बहुत लंबा डिस्कशन कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन का, तो ये तभी संभव हो सकता है कि जो डेजिग्नेटेड लोग हैं इस चीज की वो क्या बोलते हैं अहमियत को समझें, उसको ना कि केवल कागजी स्तर पे धरातल भूमि पर ला करके उसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि उन चीजों में हम बदलाव ला सके। अगर डेजिग्नेटेड लोग, पावरफुल लोग अगर इस चीज में नहीं आगे स्टेप लेते हैं, तो फिर हम तो बस स्पीच दे सकते हैं, मेरे कितने जैसे आकांक्षाएं आएंगी, ऐसे कितना न्यूज चैनल के हम वो करेंगे, रामकेली मैम जैसे आएंगी, आपके जैसे। ट्रांसजेंडर्स के लिए ओपीडी फैसिलिटी एक साल पहले से शुरू की गई है, तो इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आपको लगता है वो सही है, या आपको भी उस समानता का अधिकार है? नहीं मैम, देखिए इक्वेलिटी की तो हम बात करते ही है, बट क्या है ना मैम कि अभी एक्सेप्टेंस, जैसे हमने कहा कि कुछ बहुत एक्सेप्टेंस आ चुके हैं, बट ये स्टेप बहुत ही जरूरी है। जैसा अभी दिल्ली में हुआ है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए होता है, अभी यहाँ पे भी आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में आइए, तो आप जब पर्ची कटाने जाते हैं तो फिर ये होता है मेल है फीमेल है, तो फिर ये होता है हमारे कम्युनिटी का कभी कोई चला जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर उस बड़ा में भीड़ के चक्कर में ये रहता है कि हम किस लाइन में जाए, तो कहीं ना कहीं हाय हाय ताली बजाना इन द सेंस वो सब चीजें हो जाती है, फिर लोग कहते हैं अरे इन लोग का तो यही काम है, हट जाओ इनको पहले जाने दो। तो क्यों भाई, क्यों मेल और फीमेल करना, आप एक दिव्यांग, एक मेल, एक पुरुष, महिला और एक थर्ड जेंडर का आप करिए ना। आप यहाँ पे आप आएंगे नगर निगम में देखेंगे शौचालय बने हुए हैं, सामुदायिक शौचालय है, वहां पे थर्ड जेंडर के लिए भी है पिंक टॉयलेट। यहाँ पे काफी फेमस जगह है रामगढ़ ताल, वहां पे भी खुल चुका है थर्ड जेंडर के लिए सामुदायिक शौचालय। तो हम ये हॉस्पिटल पे स्टेप उठा सकते हैं, बैंक्स में भी उठा सकते हैं, बिकॉज बैंक्स में भी जाओ तो ये होता है कि अरे चलिए इनका काम है, अरे आपका हो जाएगा, और हर कोई आकांक्षा पांडे नहीं है, हर कोई रामकली नहीं है कि सब एजुकेटेड है, बिकॉज मैंने वो डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा फेस करके एजुकेशन तो गेन किया। बहुत संक्षेप में मैं आपसे और रामकली दोनों से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि वेयर आर वी फेलिंग एज अ सोसाइटी, हम एक सोसाइटी की तरह कहाँ पर फेल हो रहे हैं, कहाँ लैक कर रहे हैं? ये डिफरेंट है, क्योंकि हम फेल बहुत जगह है, अब नाम लूंगी तो शायद बहुत लंबा टाइम हो जाएगा उसके लिए, तो मैं थोड़ा सा यही बोलूंगी कि हमें फेल ना करें, हमें बस आगे बढ़ने दें, और जो हमारा अधिकार है हमें केवल अधिकार के हिसाब से, जो हमारा अधिकार है जिस तरीके से एक मेल का अधिकार है, एक फीमेल का अधिकार है, उस तरीके से हमारा भी अधिकार है, तो जो हमारे अधिकार है वो हमें इज्जत के साथ मिले। यहाँ पे मैं आकांक्षा को जोड़ूंगी कि हम, आपने भी शायद बोला था कि हम हमेशा बुलिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, तो मेरे यहाँ पे नोएडा में भी मेरा यही पॉइंट था कि जब हम आपके पास इज्जत से आ रहे हैं तो आप हमें एक इज्जत वाली लाइन दो, तो बहुत हमें एक इज्जत वाली लाइन मिली है। हमारे नोएडा के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे आप देखेंगे आके तो हमारे लिए अलग से एक लाइन है ट्रांसजेंडर वाली, जब हम वहां जाके खड़े होते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है, और जब हम उस लाइन में खड़े होते हैं तो लोग भी देखते हैं कि हाँ ये चुपचाप आते हैं यहाँ पे पर्ची बनवाते और चले जाते, तो बुलिंग वाला कोई सवाल ही नहीं होता। और रही बात कि हम फेल कहाँ पे है, तो हम बहुत सारी जगह वहां पे फेल है जहां पे सेंसिटाइज नहीं है लोग ट्रांसजेंडर को लेके। सबसे पहले लोगों को समझना होगा कि ट्रांस भी है इस दुनिया में, और अभी ट्रांस बोलने लगे हैं अपने अधिकारों के बारे में, अभी ट्रांस ये नहीं चाहते कि वो सिग्नल पे खड़े होके भीख मांगे, अभी ट्रांस ये नहीं चाहते कि वो ट्रेन मांगे, अभी ट्रांस ये नहीं चाहते कि वो नाच गा के अपना पेट भरे, अभी ट्रांस अपनी इज्जत वाली चीज वापस लेना चाहते हैं। बिल्कुल, अभी ट्रांस चाहते हैं इज्जत वाली नौकरी करें और इज्जत से जिए। आकांक्षा, नजरिया बदलना होगा। जी जी, मेरा मानना ये है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इस मैटर में यहाँ पे फेल होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है हट के इस पे, कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए हमें, सिर्फ जैसे कि एक कह रहे ना इंटरलिंक्ड है सारे टॉपिक्स, अभी सारे पेपर वर्क पे तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक जैसे हर जिले में किन्नर कल्याण समिति बनी हुई है, बट उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं डेजिग्नेटेड लोग जो हमारे कम्युनिटी के ही हैं, वो आपके पहले क्वेश्चन से सही लिंक करे, जो काम नहीं करना चाहते हैं। अब मेरे यहाँ पे भी है एक आचार्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी जी हैं, वो बहुत डेजिग्नेटेड हैं, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर,
बट मुझे वो एक वो धरातल के काम करते हुए नहीं दिखते हैं, जबकि जो डेजिग्नेटेड लोग नहीं है यहाँ के डेरे के लोग हैं वो हमें काम करने देते हैं, किसी चीज को लेके फोर्स नहीं करते हैं, जैसे है ना इलाके बने हुए। तो हमारा मानना ये है कि ऐसी कम्युनिटी का गठन किया जाए जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग ही रहें एंड उसमें यंगस्टर्स ज्यादा रहे जो एजुकेटेड एंड कैपेबल रहे उस कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए। एंड कोई भी कम्युनिटी का बंदा आता है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स रहते हैं तो वो कम्युनिटी उस चीज को सुने समझे और जो भी उसका समाधान हो सके वो करे, वेदर इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट इज रिलेटेड टू हेल्थ फैसिलिटी, वेदर इट इज रिलेटेड टू सारी बातों के बाद एक बात कही जा सकती है कि कोशिशें हो रही हैं लेकिन रफ्तार बहुत ही सुस्त है, उसे और तेज गति देने की जरूरत है जिससे कि ट्रांसजेंडर्स को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। लेकिन आप लोगों के संघर्ष को सलाम है। रामकली आपको और आकांक्षा आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बड़ा हौसला मिलेगा। और एक कुछ लाइन याद आ रही कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। वाकई जो संघर्ष आप लोगों ने किया है सभी के लिए ये मोटिवेशन है कि किस तरह से इतनी मुश्किल जिंदगी जीकर भी आप लोगों ने एक मकाम हासिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।